क्या हुआ? इतना परेशान क्यों बैठा है? सरकार शहर से कुछ होकर आया है, कहता है हमारे गांव में स्कूल खोले। अच्छा, तो अब हमारे गांव में स्कूल बने हैं। जा भाई, जरा लेकर तो आओ मेरे पास। अस्सलामुअलैकुम सरकार। आओ शहरी बाबू, यहाँ आए हो तो घूमो फिरो, तस्वीरें बनाओ, टिकटॉक बनाओ, यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करो और जाओ। यहाँ के मसलों में हाथ डालोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। क्या मतलब सरकार, मैं कुछ समझा? सुना है स्कूल बनाना चाहता है यहाँ पर? जी सरकार, गवर्नमेंट से बात हो गई, बस एक दो दिनों में काम शुरू हो जाएगा। शहरी बाबू, यहाँ की गवर्नमेंट भी हम हैं और सरकार भी हम। यहाँ हमारा कानून चलता है, हमारी मर्जी के बगैर यहाँ परिंदा पर भी नहीं मारता। सरकार, तालीम हासिल करना तो हर अमीर और गरीब का बुनियादी हक है, और ये हक तो इनसे कोई नहीं छीन सकता। ये बात सही नहीं है। जो सरकार कहता है बस वही बात सही है, बाकी सब गलत। तू क्या चाहता है? जिन बच्चों के माँ बाप झुक कर मुझे सलाम करते हैं और मेरी गुलामी करते हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख कर मेरे सामने सर उठा कर खड़े हो जाएं? यहाँ पढ़ना लिखना सिर्फ सरकार के खानदान के बच्चों को अलाव है, समझा? समझ गया सरकार। अगर इन गरीब किसान के बच्चों ने तालीम हासिल कर ली तो आपकी नाइंसाफी और हरदर्मी इन पर वाजे हो जाएगी, और ये फिर आपसे अपना हक मांगने लगेंगे, और इसी बात का आपको डर है। आप डर रहे ना सरकार? सरकार लोगों से नहीं डरता, लोग सरकार से डरते हैं। तो आपको इस स्कूल पे और इनकी तालीम पे कोई एतराज नहीं होना है, और ये एतराज इस बात की दलील है कि आप डर रहे हैं। आप डर रहे ना सरकार? बस शहरी बाबू, बस, बहुत बोल चुका तू और बहुत सुन चुका मैं। अगर तू इस गांव का मेहमान ना होता तो यहां से जिंदा बच कर नहीं जाता। तुझे पूरा यकीन है कि तू यहां के लोगों को राजी कर लेगा कि वो अपने बच्चों को तेरे स्कूल पढ़ने भेजेंगे? 100%। चल तो फिर मैं तुझे 2 हफ्ते का टाइम देता हूं। 20,000 खानदान है यहां पर, अगर तू उनमें से सिर्फ 20 लोगों को भी राजी कर ले तो मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा। बना लियो यहां पर अपना स्कूल, लेकिन अगर तू 2 हफ्ते में 20 लोगों को ना ला पाया तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चुपचाप इस गांव से चला जाइए और दोबारा मुझे यहां कभी नजर ना आना, ठीक है? सरकार, मैं 20 नहीं 200 लोगों को राजी करने के लिए तैयार, लेकिन मेरी भी एक शर्त कि आप या आपके ये बंदे उन लोगों को ना डराएंगे ना धमकाएंगे जिनके बच्चे तालीम हासिल करें। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है सरकार, अल्लाह।